श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और लेकर के हाजिर हूं आपके लिए आपका अपना राशि फल मानस ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से। राशि वृश्चिक का राशि फल दिसंबर 2019 के लिए क्या परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी, कैसा रहेगा आपका माह, इन सभी चीज़ों पर आज विशेष रूप से चर्चा करें। अगर वृश्चिक राशि के जातक की बात की जाए, राशि स्वामी इसके मंगल हैं और मंगल का जो स्वभाव है वो उग्र है और राशि जो है वो जल तत्व है। इस राशि में बड़ी दुविधा वाली परिस्थितियाँ हैं। राशि स्वामी मंगल अग्नि तत्व हैं और जो राशि है वो जल तत्व है, तो जो राशि स्वामी और राशि का आपसी संबंध है उसी में कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिस कारण से राशि वृश्चिक का जो जातक है उसके स्वभाव में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है, उसके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा आकर के नीच के हो जाते हैं, जो कि आत्मा के सबसे प्रबल कारक हैं, इसलिए मन के अंदर अनावश्यक भय, मन के अंदर अनावश्यक डर, मन के अंदर डिप्रेशन इत्यादि की जो परिस्थितियाँ हैं वो सदैव तैयार होती रहती हैं। इस माह क्योंकि राशि स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं, इस कारण से स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि स्वास्थ्य को इस माह आपने नज़रअंदाज किया तो स्वास्थ्य में एक बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ होगी, जिसका निवारण शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान दें। मंगलवार को नॉनवेज इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि मंगलवार को नॉनवेज इत्यादि का सेवन करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, राशि से दशम भाव के स्वामी, राशि स्वामी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत दे रही है, लेकिन विदेश यात्रा को लेकर के बहुत अच्छी सूचना दे रही है। और उसके साथ कोर्ट कचहरी में कोई मामला है और इस माह इसका डिसीजन होने वाला है, और आप जानते हैं कि शायद ये डिसीजन हमारे पक्ष में नहीं होगा तो भी वह आपके पक्ष में होने का पूरा योग बन रहा है। तो जो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित या फॉरन यात्रा से संबंधित, वो चीज़ें शायद आपके फेवर में होने वाली हैं, तो आप खुश होकर के सोच सकते हैं कि शायद ये चीज़ें मेरी अच्छी होंगी। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस राशि का जो स्वास्थ्य है वो इस माह बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है। दूसरी चीज़ की जो दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं, उनका जो गोचर होगा वो लग्न के अंतर्गत होगा, यानी कार्य आपके जो अधूरे थे वो इस माह पूरे बने बनाए हैं, आपको बस उन पर थोड़ी कोशिश करने की आवश्यकता है, बस उनको पकड़ने की आवश्यकता है। ज्योतिष कहता है कि दशमेश का लग्न में होना यानी कार्य अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, कार्य कह रहा है मैं हुआ पड़ा हूँ, लेकिन लग्नेश का द्वादश भाव में जाने के कारण हम उस कार्य को जो पकड़ना चाहिए प्रॉपर तरीके से, शायद उस कार्य को हम ढंग से पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हर एक कार्य को अच्छी तरह सोचें, अच्छी तरह विचारें, उसके बाद उस कार्य पर आगे बढ़ें। तो इस माह मेहनत आपकी निश्चित रूप से रंग लाने वाली है, मेहनत आपकी अच्छी सफलता देने वाली है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखना होगा, इस माह झूठ बोलने से आपको बचना होगा, खासकर परिवार के अंदर झूठ बोलने से बचना होगा। यदि परिवार के अंदर इस माह आपने झूठ का प्रयोग किया तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं, परिवार वालों को आपका झूठ पता चल जाएगा और उस परिस्थिति में शायद जो एक विश्वास होना चाहिए, एक जो भरोसा होना चाहिए अपने परिवार के अंतर्गत, उस भरोसे को आप खोते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा इस माह इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि जो आपका विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो परिवार के सदस्यों की, वह आपके ऊपर बनी रहे और आपका जो कार्य है वो अच्छी तरीके से एक सुचारू रूप से चलता रहे, आप जीवन में सुख शांति को प्राप्त करते रहें। इस माह ऐसी क्या परिस्थिति, कौन सा उपाय किया जाए जिससे हम अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकें। इस माह आपको क्या करना है, हर मंगलवार को घी का एक दिया लेना है, हर मंगलवार घी का एक दिया लेना है और वो दिया ले जाकर के भगवान हनुमान जी के श्री चरणों के अंदर चढ़ा, भगवान हनुमान जी को चढ़ा देना है। और उसके साथ हनुमान चालीसा के अंतर्गत बहुत प्रसिद्ध एक दोहा है, आप लोग जानते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी और वर्ण रघुबर बिमल जस जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहुँ पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या दे हूँ वही हर हूँ कलेश विकार। इस दोहे का 21 बार रोज आप पाठ करेंगे, दिन आपका सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। रुद्राक्ष हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
कई बार कुंडली में जो काम रत्न नहीं कर पाते वो कार्य हमारे रुद्राक्ष कर देते हैं। रुद्राक्ष का किसी प्रकार का जीवन में साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि रुद्राक्ष हमें सही तरीके के प्राप्त हों। तो यदि आप सर्टिफाइड और सिद्ध रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया संस्थान के नंबर दिखाए जा रहे हैं, कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण कर सकते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।